अरे बेटी चोट किस है? अबे साले कालू पत्थर मारता है सोते हुए आदमी को, शर्म नहीं आती जरा भी? कुछ तो लिहाज क्या कर सनातन परंपरा का, शास्त्र नहीं पढ़े तूने? कभी किताब हाथ में नहीं ली, गीता नहीं पढ़ी? कभी तो किताब पढ़ लिया कर, कभी तो धर्म शास्त्रों का ज्ञान ले लिया कर, सोते आदमी को जगाते नहीं है चूतिए, शर्म नहीं आती जरा भी? अरे क्या हो गया रामपाल, घर से बेदखल कर दिया जो पेड़ों पर आग बुझाने लग गया तू? साले कालू बस साले, तुझे पता नहीं पेड़ हमारे कितना जरूरी है? ये हमारा घर है, आदिवासी यही पहलम पाली करते थे, तुझे मालूम नहीं? आदिवासियों के पूर्वज उत्तरी वंशज हम। हाँ भाई यार बहुत काम आते हैं, बीड़ी पीने के लिए माजी यही पे छुपाता हूँ मैं। और भाई एक बार की तो बात है, इस पेड़ के बगल में गोल फिल्टर का डिब्बा छुपाया था, किसी को मिला ही नहीं, और दूसरा मिलेगा मेरे खुद को ही नहीं मिला। ओ तो इसका मतलब समझे था, पेड़ रात के अकेलेपन में सिगरेट सुलगाते होंगे, उन्होंने तो सुलगाई सिगरेट और तुम्हारी सुलग गई कान। अरे वो सब तो छोड़ो रामपाल, ये दया कौन है? अरे यूट्यूब पे चल रहा ट्रेंड देख ले, जो की चड्डी का ब्रांड देख ले, जो किंग विद लाइफ की वीडियो देख ले, और कुछ न देखे तो मेरी देख ले। सुखरी के पेड़ों के बारे में गलत सोचता है, गलत बोलता है, तुझे पता नहीं श्लोक क्या है? रुक जा वो देख चिड़िया, गूगल जल्दी बता पेड़ों पर कोई श्लोक बता जल्दी। चिड़िया चिड़िया उठ गई यार, अब तो वो तैलने बैठी दौड़ रही। हाँ तो श्लोक ये था, तो श्लोक ये था, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय विहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थं विद्यो शरीरम। इसका हिंदी अर्थ तुझे पता है क्या होता है? कल को बताऊंगा। हो गया नहीं हुआ, इधर को बोतल भरूंगा, उधर को जाऊंगा, मस्त टट्टी उतरती है, एक नंबर। मैंने अपने बाप का नाम इतना मिट्टी मिला दिया, खानदान की इज्जत डुबो दी, लेकिन फिर भी आज तक कभी पेड़ों पे सोने की नौबत ना आई मेरी। अरे बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा इधर उधर को गांव की शहर की कुछ खबरें पढ़ लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, न्यूज पढ़ लेते हैं, कुछ तो पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ से वापस रात को यही आना मुझे, जमीन तो बेचती यार। ठंडा मौसम है ना, बहुत मजा आ रही है यार, बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है, एक नंबर। अरे बाबा सड़ी गई है, बाबा पूरी गांड में घुस जाएगी, जूते खरीद ले जूते। भाई बहुत गरीब हूँ, सारे पैसे डूब गए, एक जोड़ी जूते मंगवा दे यार भाई। फोन किधर है? वो भी मांगा हुआ है। बेटा जा। हेलो, अबे एक नाइकी के शूज भेजना, ऑर्डर कहाँ पे देना है? पुराने मंदिर के पास। अच्छा पुराने मंदिर के पास ऑर्डर देना है, और हाँ वो ऑनलाइन एयर डिलीवरी कर देना आप।
भेजो। और हाँ फोन पे कर दूंगा, फोन अरे चलो जी पे कर दूंगा यार। कर रहा हूँ, हो गया। अरे ऊपर बंदे को चला गया। वाह यार तेरी तो बहुत जान पहचान है, आज तो गांड पट जाती है। अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, कुछ भी कहो। चल चलो, तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत चढ़ी गया। अरे क्या बात है, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, कुछ खेलने का भी मन नहीं कर रहा। क्रिकेट ना फुटबॉल कुछ भी नहीं। अरे वो रही स्लाइडिंग, चलो आपको मौजी करते हैं। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अबे साले सांस खाने के लिए आए यहाँ? अरे गो खाने के लिए नहीं आए, मुंह मत फाड़, मना ले ड्रिंक कर दूंगा, थोड़ा सांस वास खा ले। नींद आज बहुत आ रही है यार, सो जा सो जा। ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया। ओम्पो बेटा अकेले अकेले सुपारी खा रहा है तू? अबे क्यों बदनाम कर रहा मुझे? तेरे ट्रीट टांगे समय सुपारी तो हाथ नहीं लटता। ऐसा ही जाना तो आया है क्यों? देख मैं खाता नहीं हूँ। तू मुंह में क्या गुख खा रहे है क्या? मैं तो एक्टिंग कर रहा था, मेरे पास सुपारी कहाँ है? यार कचर कचर की आवाज आ रही है मुंह में। कचर कचर की आवाज तो मैंने तीसरे टाइम फूट के आया। समोसा वो खाया मैंने, मसाला पान मसाला। तो भाई गीला क्यों नहीं है इधर? अच्छा उधर तो गीला है ना, मैंने तो पान मसाला खाया। पान मसाला तूने खाना है तो बेच दे 6 करोड़ की वो 3 गोटियां। यार मुझे नहीं पता, मुझे तो सुपारी खिला दू। सुपारी? सुपारी नहीं है मेरे पास। खिला दो सुपारी। अरे नहीं है मेरे पास। बेवफा 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 निकला। हेलो क्या कौन सा लगा तुम्हें सही में? कितने पैसे? ओह नो 3 भाई, एक को तू भेज रहा, बाकी को मैं तारने आ रहा हूं। अच्छा मेरे वाला खेत में, अपने खेत में? हाँ अभी आता हूं मैं खेतों में। तू जाएगा मैं जाऊंगा? ऑफ कोर्स तू जाएगा। हम तो ना जा रहे तावड़े में, मैं तो रोज जाता हूँ। आज तेरे को जाना पड़ेगा। मैं क्यों जाऊँ? मेरा बाप तेरा बाप एक ही तो है, तू भी तो उसका बेटा है, तो आज तेरे को जाना पड़ेगा। मैं क्यों जाऊँ? नहीं बात, एक फैसला कर लो। तू जाएगा या मैं जाऊँगा? एक गेम खेल लेते, तू जाएगा, जो जीतेगा वो नहीं जाएगा, फिर जो हारेगा वो जाएगा। चलो ऐसे करते हैं, आधा पादा किसने पा।
मैं तो जीत गया, अब तो तेरे को जाना पड़ेगा। चल चल जा रहा हूँ। अरे यार तू मेरा छोटा बच्चा है, बैठ जा, छोटा भाई है इसलिए बख्श रहा हूँ। अगली बार तू जाएगा, मैं जा रहा हूँ इस बार, अगली बार तो तू जाएगा। पक्का जाएगा, पक्का जाऊंगा। कसम खाई है, तेरे को जाना पड़ेगा। कसम क्यों खाई, मैं मर जाऊंगा अगली बार, मैं जाऊंगा। तीन बार तो हो गए ऐसे बोलते बोलते, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में गांड मराया, उसकी बुझाए मेरा हिलाए, गांड दिलाए, देखो जे देखो कौन वो आया। टन टन टना क्या क्या कुछ नहीं था वहां पे, घर में का 1% एहसास नहीं हुआ मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने सोचा कैसा लगेगा, ठंड थी बहुत, मतलब बर्फ बारिश बर्फ थी, वैसा लग रहा था, इतना गीला इतना ठंडा। वह मैं जाता हूँ, चलो जाऊँ। वो हेलमेट कहाँ है, हेलमेट कहाँ है, हेलमेट यार ये रहा था। तू बैठ जाना, तू कहाँ जा रहा है अभी, तू भी साला oh, no! इस सर्दी में हील हो जाएगा। फोन से वैसे नहीं तड़ती, लकड़ी देनी पड़ेगी यार। इसको कैसे खेलता फिना, इसको पता नहीं कैसे खेलता इसका। ऐसे कोई मार सके, पिना ने की बोला मैं, मुच्ची मंदिर बन रही है कहीं। क्लास में मैंने कभी मॉनिटर नहीं बना, मुख्यमंत्री क्या खाक बनूंगा। यह क्या है, जा लकड़ी की दे दे। अगली बार तू जाएगा, अगली बार तू जाएगा। क्या हाल है, मेरे दादा की राज में मैंने ये झूला लगवा लिया घर पे ही, थोड़ा झूला झूल लेता हूँ फिर जाऊँगा। जब तक एक दो बीघा का वो रचका भी खा लेगा, पेट भर जाएगा उसका। पैसों को बोला था ना उसने, तो किसने कॉल किया रहा मुझे, शायद मेरे साथ था, पता नहीं किसने किया। चलो भैंसों को बोल के दो गाय चल रही थी अपना कहते, चलो भैंसों को ताड़ना था, गाय को भी तुरंत ताड़े, गाय हमारी माता है और हमें कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं करना, तो बस भैंसों के लिए बोला उसने, हम भी ताड़े। चलो चलता था। जूते एक नंबर है, देश में सरकार इतने साल नहीं चलती जितने साल ये जूते चल जाएंगे। तेरा शुक्रिया मैं तेरी टांग से भी नहीं कर सकता। अरे यार तालाब देख रहा, मछली तो मार लूं। रो रो मार बोल दे। ओह नो, अरे भाग जाएगी। रो रो
बात नहीं। मेरे दोस्त कालू ऐसे पत्थर नहीं फेंकते, ऐसे पत्थर कभी नहीं फेंकते मछलियों पर। जीवो को इतना पाप है। शाकाहार अपनाओ, सब्जियां खाओ, भिंडी खाओ। बेटे बहुत हो गए मजा। एक तो थोड़ी रेपुटेशन बनाने के लिए इतने ऊंचे पेड़ से चढ़ के नीचे कूदा हूँ, पेड़ फ्रैक्चर हो जाता, टूट जाता, गिर जाता, 10 रुपए की खातर इतना कुछ करते हैं यार। पेड़ की खातर तो बचपन में 10 रुपए। यार बहुत गलत बात है भाई साहब, इतना अच्छा सर्कस दिखा रहे, इतना अच्छा सर्कस दिखा रहे, इनको 10 रुपए तो बनते हैं, बेड़ी वाला तो दे दे इनको। सर्कस बहुत अच्छा दिखाया भाई साहब ने। कौन से सर्कस कंपनी में काम करते हो भाई साहब? होगा वो लोड़ा लोड़ा पड़ा लोड़ा दर्शन। आप भी सर्कस में काम करते हो? यस बिल्कुल, वापस चढ़ के दिखाऊंगे। 10 रुपए दे दे यार भाई, मेरे से इनकी दया देखी नहीं जा रही। 10 रुपए ना हो तो बीड़ी पे ले। ऐसे देखो यार, ऐसे दे, ऐसे देखो, ऐसे 10 रुपए। अरे भाई साहब रुको रुको, गर्मी का मौसम चल रहा है, ऊपर से ज्यादा कर लिया। मेरा साथ है, गर्मी का मौसम चल रहा है। और मैं कह रहा था वो बांध के पूरी खराब हो रही है अंदर से। मैं कह रही था 10 रुपए का करोगे क्या भाई साहब? अरे फ्रूटी पियेंगे, गर्मी चल रही है, गर्मी चल रही है, दो दिन हो गए। 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, बस 10 रुपए। अब बात ऐसी है, एक बार था शोले फिल्म और वो था गब्बर, और वहाँ बैठी थी बसंती। अरे भोसड़ी भाग गया पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है आखिर? नहीं ठेकेदार साहब जी, कुछ जरूरी बात कहेंगे, तनख्वाह उनका तो नहीं दे रहे अपन को। अरे मेरे मजदूरों, 400 रुपए में गधा मजदूरी कर लेनी, लेकिन 500 रुपए में किसी के साथ बिकना मत। भेड़ के लोने मास्क चेक करी। अरे यार मैं तो सोच रहा था कोई 150 रुपए बढ़ाएंगे, तनख्वाह के अंदर कोई अपने फायदा होगा। तनख्वाह का तो ऐसा है, जब तक ये सारा काम पूरा नहीं हो जाता महीने भर के अंदर, रही बात गर्मी की, अरे तुम्हें गर्मी पड़ो चाहे फर्मी पड़ो, काम तो तुम्हें यही करना है, वरना गांड में सीमेंट भर दूंगा। ठेकेदार ऐसे ही नहीं कहते मेरे को, समझ गए? कुछ नहीं हुआ, हल्के में ले लिया। 4-5 दिन हो गए देख रहा हूँ काम निकाल रहे हो, 400 रुपए देता हूँ, पकड़ के देता हूँ क्या? अरे ना, मैंने सोचा मेरे मजदूर लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है चला आया, पता नहीं कहाँ से चला, अपन चलते हैं काम करो काम। और 6 बजे पहले मेरे को पूरी बजरी। हाँ काम करने जा रहे हैं। भगवान, आज तेरे दर पर मुझे आना ही पड़ा, अब तो सुन ले।
इतनी गर्मी करना पड़ा तो पले उठ गए। अब तो दया कर थोड़ी बारिश बरसा दे, थोड़ा मधुमास दिखा दे, थोड़ी हरियाली दिखा दे। अब सहा नहीं जाता, अब ऐसे कूलर सब फेल हो चुके हैं। कितनी पेप्सी गांड में रगड़ू, कितनी कोल्ड ड्रिंक मुनाऊ मुंह में, सब कुछ फेल हो चुके हैं। भगवान थोड़ी कृपा कर, थोड़ी बरसात बरसा दे और हम प्राणियों पर थोड़ी कृपा कर। ऐसे कूलर बोल रहा हूँ सब फेल हो चुके, बिल बिल तीन चीज जाते नजर आ रहा, गांड फटे पड़ा। oh, no. थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ी कृपा कर दो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारी वीडियो विंटर यानी गर्मी पर आ चुकी है, तो वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी आपको, ऐसी हम आशा करते। वैसे बढ़िया ही है वीडियो, तो एक नंबर है। आप देखिए तो सही, पूरी मज़ा ना जाए तो फिर मुझे बोलिएगा, और इस पर लाइक कमेंट तो फाड़ देना क्योंकि मेहनत बहुत लगी है। देखो मेहनत इतनी लगी है कि हेलमेट फेर फेर के घूम रहे हैं। बताओ यार, गर्मी है इतनी तगड़ी गर्मी, आप तो जानते ही। आप कमेंट करके बताना, राजस्थान की गर्मी तो आप जानते हैं कितनी तगड़ी पड़ती है। राजस्थान की पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है गर्मी। गर्मी तो यार इंग्लैंड में थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को वहाँ तक भेजिए जहाँ तक लोग नहीं देखते वहाँ तक भेजिए। और देखना, दिखाना उनको, कमेंट करवाना, लाइक कराना, चैनल को सब्सक्राइब कराना। हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिखिए बाय बाय। जैन जय भारत।